इसमें नहीं आती, मेरा भी कुछ सहयोग करें मेरा आपसे देने। इसी प्रकार से सारी सूचनाएं हैं, तो जो ग्राह्य नहीं है इनको मैं ग्राह्य करता हूं। मत संख्या 3 कुछ नहीं है, मत संख्या 4 श्री आशीष कुमार सिंह आशु। नवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की याचिका समिति 2022-23 का 17वां प्रतिवेदन जो सिंचाई विभाग एवं जल संसाधन विभाग से संबंधित है प्रस्तुत करता हूं। मत संख्या 5 श्री आशीष कुमार सिंह आशु। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की याचिका समिति 2022-23 का 18वां प्रतिवेदन जो उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित है प्रस्तुत करता हूं। मत संख्या 6 श्री आशीष कुमार सिंह आशु। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की याचिका समिति 2022-23 का 19वां प्रतिवेदन जो कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग से संबंधित है प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 7 श्री आशीष कुमार सिंह। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा की याचिका समिति 2022-23 का 20वां प्रतिवेदन जो चिकित्सा। तो देखिए, इस बीच ये बड़ी खबर बता रहे हैं, मॉनसून सत्र की कार्यवाही जारी है, विधानसभा की कार्यवाही आपको दिखा लेते हैं। मैं इस बीच बड़ी खबर बता दे, देखिए किस तरीके से यहां पर जो बजट है वो पेश हुआ है और मॉनसून सत्र लगातार जारी है। ऊर्जा विभाग के लिए 2 करोड़ और इसके अलावा अनुपूरक बजट पेश किया गया है, 12,909 का यह अनुपूरक बजट है। इसके अलावा नए पुल निर्माण के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 2025 महाकुंभ के लिए भी बजट आवंटित किया गया है। इसके साथ साथ विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश हुआ है। तो देखिए, मॉनसून का सत्र लगातार जारी है, बजट में परिवहन विभाग पर खासा फोकस देखने को मिला है। इसके अलावा अगर कहा जाए तो ओपन जिम के लिए 100 करोड़ रुपए यहां पर आवंटित इस बजट में किए गए हैं। इसके साथ साथ संस्कृति विभाग को लेकर के भी जानकारी दे दे, 74 करोड़ संस्कृति विभाग के लिए। देखिए किस तरीके से यहां पर गौर दिया गया है, फोकस किया गया है। छात्रों के लिए 4,000 करोड़ रुपए, वहीं ऊर्जा विभाग के लिए 2,000 करोड़ रुपए इस बजट में शामिल किया गया है। 12,909 का ये अनुपूरक बजट पेश किया गया है। नए पुलों के निर्माण पर भी यहां पर खासा फोकस दिखाया गया है, बजट में इसके लिए भी हिस्सा दिया गया। तो मॉनसून सत्र की कार्यवाही जारी है, दूसरा दिन आज है और आज अनुपूरक बजट पेश हुआ है। अनुपूरक बजट से काफी उम्मीद थी और यहां पर देखिए तमाम चीजों को लेकर जानकारी मिली है। जिस तरीके से बजट में तमाम चीजों को लेकर के फोकस देखने को मिला है, खासतौर पर परिवहन विभाग, ऊर्जा क्षेत्र में विकास के लिए किस तरीके से बजट में यहां पर तमाम चीजों को लेकर के ध्यान केंद्रित किया गया है। अगर बात नए निर्माण को लेकर के करें तो पुलों के निर्माण पर खासा फोकस देखने को मिला, वहीं ओपन जिम के लिए भी 100 करोड़ रुपए यहां पर शामिल किया गया है। इसके अलावा जो संख्या दर देखिए किस कदर यहां पर सामने आ रही है। अगर बात करें बजट को लेकर के तो 2025 तक महाकुंभ को लेकर के भी बजट में यहां पर अहम हिस्सा देखने को मिला है। विधानसभा का सत्र जारी है और बजट में परिवहन विभाग पर भी फोकस और अन्य चीजों को लेकर के भी यहां पर फोकस देखने को मिला है। संस्कृति को बढ़ोतरी देने के लिए 74 करोड़ रुपए यहां पर देखिए संस्कृति विभाग के लिए। इसके अलावा छात्रों के लिए भी एक बड़ा यहां पर प्रावधान, बड़ा हिस्सा, 12,909 का अनुपूरक बजट ये पेश किया गया है। तो देखिए मॉनसून सत्र की कार्यवाही जारी है और वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, सुरेश खन्ना जिन्होंने ये बजट पेश किया, अनुपूरक बजट इसे कहा जा रहा है। परिवहन विभाग पर खासा फोकस, ऊर्जा विभाग के लिए भी इसमें 2000 करोड़ रुपए आवंटित, इसके अलावा 12,909 का ये पूरा बजट है। इसके साथ साथ ओपन जिम्स को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के भी इसमें अहम यहां पर हिस्सा दिया गया है। तो मॉनसून सत्र की कार्यवाही जारी है और अनुपूरक बजट यहां पर पेश हुआ है विधानसभा के अंदर और परिवहन विभाग को भी देखिए यहां पर